आप लोग व्हाट्सएप पर अगर किसी को लाइव लोकेशन भेजना चाहते हो तो किस तरह से भेजते हैं दोस्तों? यहाँ पर देखिए, एक मैं लाइव लोकेशन की बात कर रहा हूँ और एक आता है करंट लोकेशन। तो कौन सा लोकेशन हमें भेजना चाहिए जिससे कि आपका अगर सामने वाले का अगर इंटरनेट भी चला जाता है तो भी वो आपके लोकेशन पे आ जाए? चलिए दोस्तों देखते हैं। आप लोग पहले समझ लीजिए लाइव लोकेशन और करंट लोकेशन, बाद में बताऊंगा मैं आपको कौन सा लोकेशन यहाँ पर भेजना चाहिए आपको। दोस्तों यहाँ पर देखिए, व्हाट्सएप पे आप लोग अगर किसी को आपका लाइव लोकेशन आप लोग शेयर करते हो तो उसका प्रोफाइल आप लोग ओपन करते हैं। पहला ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस बंदे को मुझे यहाँ पर लोकेशन भेजना है तो क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर देखिए एक लोगो दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट वाला, इसके ऊपर क्लिक करके लेना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको दिख रहा है लोकेशन का एक यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सिंपल क्या करेंगे आप लोग, लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको बात समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, एक ऑप्शन यहाँ पर आता है शेयर लाइव लोकेशन। चलिए पहले इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। शेयर लाइव लोकेशन के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे, जैसे उसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए, एक 15 मिनट का है और एक 1 घंटे का है और एक 8 घंटे का है। तो दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पर अगर कौन सा भी आपको, मतलब आप लोग चाहते हैं लाइव लोकेशन उसको इस टाइम तक चले जाए और बाद में डिलीट हो जाए, मतलब आप लोग का लोकेशन नहीं बताएगा, तो आप लोग टाइमर सेट करके यहाँ पर भेज सकते हो और नीचे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं 15 मिनट का करता हूँ और ये मैं सेंड कर रहा हूँ। ये हो गया है दोस्तों हमारा लाइव लोकेशन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि सामने वाला अगर इंटरनेट चला जाता है तो उसका लाइव लोकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, और बहुत ही प्रॉब्लम होने के बाद आपके यहाँ पर फिर से फ़ोन करके आपको लाइव लोकेशन मंगाएगा। तो उससे अच्छा क्या करना है आपको, फिर से आपको क्या करना है, उसी के ऊपर क्लिक करना है, लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सेंड योर करंट लोकेशन जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। बिल्कुल दोस्तों यही वाला लोकेशन आपको भेजना है। दोस्तों इससे क्या होता है, ये करंट लोकेशन में अगर सामने वाले का इंटरनेट चला जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, मोबाइल ऑफ हो जाता है, अगर वो बाद में भी आधे घंटे के बाद में भी अगर वो ऑन करता है मोबाइल, तो वो करंट लोकेशन पे आपके पहुंच जाएगा। ये भी आपका लाइव लोकेशन होता है जहाँ पर आप लोग रुके हुए। चलिए दोस्तों वीडियो कैसी लगी बता देना कमेंट में, पसंद आए दोस्तों लाइक कर देना या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।